मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले।
ये नहीं जानते कि ये ऐसे ऐसे अपनी कुल पर बैठे हैं जो कभी भी फट सकता है। सर सरोपति जी, आप जितने दुखी हैं, जितने परेशान हैं, उतना हर हिंदुस्तान परेशान है। छह दिसंबर सन 1920 को तुम आम जनता की आवाज पहली ब्रिटिश सरकार तक जरूर पहुंचाओगे, और इसके लिए तुम्हें दिल्ली जाना होगा। असेंबली के विजिटर यानी के पास तुम्हें प्रोफेसर नंद किशोर निगम जी देंगे। भगत वो तुम्हें दो पास देंगे, एक तुम्हारे लिए, दूसरा बटुकेश्वर दत्त के लिए। तुम्हारे पास एक थैला होगा जिसमें दो बम और दो ऑटोमेटिक राइफल होगी। जैसे ही असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल वोटिंग के बाद अपना फैसला सुनाने आएंगे, उसी वक्त भगत तुम पहला बम फेंकोगे और दूसरा बम फेंकेगा बटुकेश्वर दत्त। भगत उसी के साथ तुम हमारा ये नेशनल सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का यह चुनौती पत्र भी वहां फेंकोगे। अगर एक बात का ध्यान रखना, बम फटते ही लोग यहां से वहां भागने लगेंगे, असेंबली में हलचल मच जाएगी। हमारा मकसद किसी की जान लेना नहीं है भगत, हम केवल अपना यह चुनौती पत्र और अपना मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं। भगत असेंबली में मोतीलाल नेहरू जी, मदन मोहन मालवीय जी और असेंबली के अध्यक्ष विठल भाई पटेल जैसे नेक इंसान भी होंगे, उन्हें हानि न पहुंचने पाए। जिंदाबाद भारत माता के जय इंकलाब। तो जानते ही होंगे ये खतरनाक रास्ता फांसी के फंदे तक जाता है। तुम भी अश्वाब की तरह जिद्दी हो। अश्वाब का बड़ा भाई उर्दू मिडिल में मेरा हमजमात था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी आजादी की इस खतरनाक राह पर चलने के लिए उसकी हिम्मत अफजाई नहीं की। मुझे याद है जब मैं पहली बार आपसे मिला था तो आपने बड़ी बेरुखी से मुझसे बात की। वो इसलिए क्योंकि तुम मुझसे मेनपुरी साजिश के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। मैं सोच रहा था कि एक स्कूली तालिब इल्म को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। जब एक नौजवान के दिल में अपने वतन पर कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाता है, वो जज्बा वक्ती या मस्नूई नहीं होता। जानता हूं, और भगत ये भी जानता हूं कि तुम इसी जज्बे के तहत हमारी इंकलाबी तहरीक में शामिल हुए हो। इस देश को गुलामी से निजात दिलाने का यही एक रास्ता है। हमने अहिंसा का रास्ता छोड़कर लोकमान्य तिलक की राह इख्तियार की है। हमारा ऐसा मानना है कि नरमी से आजादी की मंजिल दूर हो जाती। इसी मकसद को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई गई है। हमें लाठी से नहीं, बम और बंदूक से इंकलाब लेके आना। बिल्कुल ठीक कहा भगत, अंग्रेजों को खौफ ज़दा करने के लिए हमें गोलियां चलानी होंगी, बम बरसाने होंगे। अंग्रेजी खजाना लूट कर हमने अपने सरमाए का इंतजाम तो कर लिया है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा दिनों तक रुपोश नहीं रह पाएंगे। ये गोलों को हमारे ठिकानों का पता लग ही जाएगा। इस मुल्क की तारीख में गद्दारों के नाम शामिल, और गद्दारी हमेशा ऐसे लोगों ने की है जिनकी वफादारी पर कभी शक नहीं किया जा सकता।
मीर सादिक मीर जाफर अगर इस मुल्क में पैदा ना हुए होते तो ये मुल्क कब का आजाद हो गया होता। आखिरी मुगल बहादुर शाह जफर के खुसर से अंग्रेजों ने सांठ काट कर रखी थी। अपनी तर्जीम से वाबस्ता होने के लिए हर किसी को एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। अशफाक और मैं उस इम्तिहान से गुजर चुके हैं। ये देखो हमारी फतेहियों पर मोमबत्ती पर हाथ रखकर अपनी तर्जीम से वफादार होने के कसम खाने के निशान। तब तो ही कौन हर होगा, तब तक कोई होगा, जब इस बार पैर तरी जाए, जब तो जनक कर उड़ी जाए। इसका मतलब है कि अगर तुम मोहब्बत के खेल में दिलचस्पी रखते हो तो अपना सर अपनी हथेली पर रहकर नहीं करी आ जाओ। और जब तुमने इस राह पर चलने का फैसला कर लिया है भूल कर भी कदम चाहे इसके लिए तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। कसम खाता तंजीम से कुछ भी हमसे बन पाया, किए थे काम हमने भी, जो कुछ भी हमसे बन पाया, ये बातें तब की हैं, आजाद थे और था शबाब अपना, मगर अब तो जो कुछ भी है उम्मीदें बस वो तुमसे है। जवां तुम हो, लबे बाम आ चुका है आफताब अपना। आजाद, मैं इस जोशीले जवान को तुम्हारे हवाले करता हूं। भगवती चरण वोरा सुखदेव राजगुरु तो तुम्हारे साथ है। हमारा सबसे पहला काम हमारे नेता लाला लजपत राय जी की मौत का इंतकाम लेना है। लाहौर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जेम्स स्कॉट ने लाला जी के पुरमन और खामोश एहतियात का जवाब लाठीचार्ज से दिया, जिसकी वजह से लाला जी का उस दरिंदे को हम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं देख सकते। उसे जल्द से जल्द नर्क के द्वार पर पहुंचाना है। उन्हें ये फिक्र हरदम, उन्हें ये फिक्र हर कम, नहीं तर्ज़े जफ़ा क्या है, उन्हें ये फिक्र हरदम नहीं तर्ज़े जफ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखे सितम की इंतहा क्या है। आप लोगों के ठिकाने को हम लोगों ने देख लिया है, गुनाहगार हम आपके पास नहीं आएगा, वरना अंजाम बुरा होगा। और अंजाम की फिक्र वो करे जिसे अपनी जिंदगी से मोहब्बत हो, जहां सरकार उस हथेली पर लिए बैठे है जिसे जला के मारने वतन की बात की।